दुश्मन लगे हैं, सारी पसरियां तोड़ डालेंगे। बोले बजाओ। श्याम सुंदर ने बांसुरी ऐसी बजाई है, केवल कन्हैया ने बजाई और रुक्मिणी ने सुनी, तीसरी के कान में भनक नहीं पहुंची। बजाने लगे हैं बसुरिया श्याम, जा रहे हैं बांसुरी श्याम। रोहित बेटा थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसकी, पंडाल भरो। बजा रहे हैं बंसी श्याम, कैसी बजाई है। बड़ी सुंदर बंसी बजाई है। अब रुक्मिणी ने कहा हमें बसुरिया दिखा दो। कन्हैया ने बसुरिया वाला हाथ लटकाया, रुक्मिणी ने बंसी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, दूसरे हाथ से झपटा मार के बसुरिया रथ में डाली और रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, ऐसा झटका दिया रथ में उठा लिया। और जब रथ में उठा लिया फिर देर नहीं की, वो रथ इतनी तेजी से उड़ा और जब रथ उड़ा है चले गए। लड़कियां चीखने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई काला काला बहना को ले गया। आवाज लगाई, भैया गजब हो गया,
रुकम ने जवाब दिया क्या हो गया? बोली रुक्मणी को कोई काला खाला था। सोई रुकमा भाजो और आवाज लगाई ठाड़ो रहिए ठाड़ो रहिए ओ नीच कमारे ठाड़ो रहिए श्याम ने तो आगे ले गए और तो पीछे ले गए आगे ले गए और तो पीछे ले गए। रुक्मिणी ने कहा प्रभु रथ मंदिर हो के देना, ये भैया ना एक सैया है ले चलो आगे और इसके पीछे बड़ी लंबी फौज है। कन्हैया बोले चोरी चोरी नहीं भागेंगे और न कौन तुम्हारा सम्मान करेगा। रोक दिया रथ। रुक्मिणी बोली श्याम तुम्हें मेरी कसम है आप रुको ना। क्यों सुनो मेरो भैया जब तुम महल के हो रथ ले चलियो। मेरो भैया जवाब दिया मेरो भैया मनोज के पुत्र हैं हिमांशु जो गढ़ी के रहने वाले हैं। हमारे गांव से 1 किलोमीटर फैसला है, हमारे घर के ही हैं। तो मैं कामना करते हैं भगवान से बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करे, हमेशा आनंद मगन रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, कीर्ति और यश बढ़ता रहे। और एक हार हमें विनोद ने पहना कर सम्मान किया है, विनोद ने हार पहना कर सम्मानित किया है। भगवान से कामना करेंगे प्रभु धन दौलत से भंडार भरे रहे, यही मेरी आशा और कामना है। जो इसी गांव निकला लायक के रहने वाले बोलिए रुक्मिणी
कन्हैया ने कहा नहीं। रुकम को भगवान कन्हैया ने अपने रथ से बांध लिया है। उधर बलराम भाग करके आए हैं। बलराम ने कहा, अरे कन्हैया ये किसकी लड़की ले आया? जवाब दिया, भैया इसी ने तो चिट्ठिया लिख के भिजवाया था, इसी ने बुलवाया है मुझे। ठीक है, ले जा, देख लेंगे कितनी फौज है। हल और मूसल लेकर बलराम ने सारी फौज को तहस नहस किया। श्याम सुंदर चले गए, रुक्मिणी को ले गए नंदीपुर गांव में, द्वारका नहीं गए। बताते हैं वहां एक अवंतिका देवी का मंदिर है, उस मंदिर पे भामरे पड़ी हैं कन्हैया और रुक्मिणी की। भामरे पड़ने के बाद सभी देवियां गीत गाने लगी हैं, भारे कन्हैया तुम तो बिल्कुल काले हो, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। देवियां गीत गा रही हैं, कहती हैं, अरे बांध सी